हेलो, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय कैंपा क्लासेस। अर्लियर यू हैव स्टडीड द कंसेप्शन ऑफ ग्रामर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रामर एंड वी आई एम वेरी सॉरी फॉर डिले, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशंस ऑफ ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर इज नंबर्स। यू नो एवरीबॉडी इज नाउन नंबर। वट इज नंबर? नंबर क्या है? वट इज नंबर? नंबर इज द वर्ड विच इज यूज टू शो द क्वांटिटी ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इट मीन्स कि नंबर भी और अमाउंट भी, कुछ भी चीज आप अगर हम उसे करें तो वो होता है उसका नंबर। तो आपको अब नंबर समझ आ गया होगा कि क्या चीज होता है। वट इज नंबर? ये नंबर इज अ वर्ड विच शो द क्वांटिटी ऑफ द थिंग। क्वांटिटी ऑफ द थिंग या नंबर ऑफ पर्सन। देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स इन इंग्लिश। वन इज सिंगुलर नंबर एंड अदर वन इज प्लूरल नंबर। सिंगुलर, एज यू नो वट इज द नेम ऑफ सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स सिंगल। द नंबर विल शो ऑनली वन थिंग, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। एंड द वर्ड विल शो मोर देन वन, इट मीन्स टू, थ्री और एंड मैनी पर्सन और मैनी थिंग्स और मैनी प्लेसेस, दोज आर कॉल्ड द प्लूरल नंबर ऑफ नाउन एंड सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन। आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। वंस अगेन आई विल रिपीट इट कि वर्ड विच इज सिंबल या वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी। तो वट इज द नंबर डेफिनेशन इफ यू राइट? अ वर्ड विच इंडिकेट्स द विच इंडिकेट्स अ क्वांटिटी और नंबर, क्वांटिटी ऑफ नाउन। ठीक है, सिंगुलर नंबर मीन्स द नंबर विच इंडिकेट्स द वन थिंग और वन पर्सन और वन प्लेस। एंड प्लूरल नंबर, द नंबर विच शो द मोर देन वन, इट मीन्स टू, थ्री और मेनी पर्सन, प्लेस और एनिमल्स और थिंग्स एटसेट्रा, इट मीन्स नाउन ओनली। अब वट द क्वेश्चन कि हाउ डू वी चेंज द सिंगुलर नंबर इंटू प्लूरल नंबर। इट इज देयर आर टू और थ्री रूल्स हाउ कैन वी चेंज द सिंगुलर नंबर इंटू प्लूरल नंबर। फर्स्ट वन इज हाउ डू वी चेंज सिंगुलर नंबर इंटू प्लूरल नंबर। हाउ? देर आर टू थ्री रूल्स। फर्स्ट वन इज क्या करते हैं आप लोग जनरली जानते हैं, जनरली वी एड एस, लेटर एस। सपोज काउ, देन काउज, डॉग, डॉग्स। सेकेंड वन वी आर इफ द एंडिंग ऑफ सिंगुलर नाउन इज एस सी एच डबल एस ओ एस एच एटसेट्रा, देन वी एड ई एस। ओके, इफ द एंडिंग ऑफ सिंगुलर नाउन इज एस सी एच डबल एस
O, SH, etc. Then we add ES. Example देखें, mango, M-A-N-G-O, last ending word is ending letter is O, so we add here ES, mangoes. Okay, third one. If the singular noun ends with letter Y, then we replace Y into IES. What is the meaning? If the singular noun ends with Y, then we replace Y into IES. कि जहां Y में होगा last letter, तो वहां हम Y को replace करें, यानी Y को cut कर देंगे और IES लगा देंगे. Example देखिए, जैसे आपने कहा army, ठीक है, ending letter Y. Now we write here Y replace, then we write M-I-E-S, armies. But इसका थोड़ा सा रूल चेंज है कहीं कहीं पर. The singular number, the singular noun समझ लीजिए, the singular nouns ending with Y, but there is vowel just before Y, then we add only S, no, not IES. Okay, understood? The singular nouns ending with Y, but if there vowel just before Y, then we add only S, not IES. Example, you see boy. Okay, this is Y. According to this rule, we should write ki B-O-I-E-S, but in English, we use Y, then add S, because here is vowel. What is this? O is vowel. So, we add only S, the plural number of boy, boys. Okay? Understood? Next one. Fourth rule, if singular noun ends with F or FE, then we replace F or FE with VES. Okay? अगर singular number F या FE में end हो रहा है, तब हम उसमें VES replace कर देंगे. जैसे हमने Y में क्या, Y cut करके IES add करा, इसी तरीके से हम F और FE अगर है, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, VES. Example देखिए, wife. See? What is the last ending word? F-E. Then we replace this one and we write W-I-V-E-S, wives. Okay? But there are many
सिंगुलर नाउन्स, बट देर आर मेनी सिंगुलर नाउन्स विच हैव नो प्लूरल नंबर नाउन या नंबर. इन बोथ केसेस we use same noun. It means कि there are many singular nouns which have no plural number. ऐसे बहुत सारे noun हैं जिनका कोई plural number नहीं है. In both cases, it means कि singular और plural दोनों cases में हम same noun use करते हैं. But हम कैसे उसमें difference करेंगे कि singular की बात हो रही है या plural की? Then we will then we will see the verb. कि is am are, which verb we are using. If there is, then it would be the singular number. If there are, then we will understood कि this will be the plural number. Example, sheep. Singular and plural both are sheep. Deer. In both cases, singular and plural both are same. So there are many singular numbers. Okay, and last one, some singular number nouns. कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनका क्या है, प्लूरल नंबर इरेगुलर है. इट मीन्स कि वहां पर कोई रूल फॉलो नहीं होता. सम सिंगुलर नाउन्स चेंज इनटू प्लूरल इरेगुलरली. इरेगुलरली मीन्स कि देयर इज नो एनी रूल. Irregularly. Sorry, spelling के लिए. Irregularly. Suppose example, child. Singular number is child, but we cannot add the s, es, ves, ies, or not we use same word child. We use here in plural number children. Tooth, teeth, foot, feet. So here is no any rule which we can follow. These are called the irregular plural numbers. Okay, these are the words. But how can we change the sentences? You see this type of verbal sentences, how can we change? किस तरीके से हम sentences को change करें? तो words था, अब हम sentence को कैसे change करेंगे? How the sentences change from plural to singular? अब आप देखिए कैसे होगा चेंज. सपोज मैंने लिखा मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स. मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स. मंकीज प्लूरल, टेल्स प्लूरल, एंड फुल सेंटेंस इज प्लूरल. बट व्हेन वी चेंज इनटू सिंगुलर नंबर देन वी राइट मंकी. This helping verb model always used with the plural number. So if we are writing here singular number, then we should change this word also, or have will change into has. This is a verb. Verb will change. Monkey has a long tail. Okay. Second one. एक एग्जाम्पल और देखें. बर्ड्स
build nest on trees. Birds plural, nest plural, trees plural. Okay? But when we change this sentence into singular one, then how we'll write? Bird. This is the main verb, helping main verb, here action verb hai. Main verb is build. This is the build, but and this word is the plural, and build. Build is the first form of the build. It means ke first form always used in the present indefinite. When we use present helping verb or first form of the verb with the plural number, we always write in the first form like this. But when we write this present indefinite first form of the verb with singular number, then we always add s or es. So bird is singular, so build will become builds. Kya ban jayega? Builds. Bird builds a nest on a tree. Okay? Birds build nest on a tree. So birds build a nest on a tree. हमने कैसे चेंज करा? ये प्लूरल है, बर्ड उसका सिंगुलर हो गया, और ये वर्ड जो है हमारा मेन वर्ड बिल्ड, बिल्ड जब हम प्लूरल नंबर के साथ लिखते हैं तो विदाउट एस और एस लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट में, और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं तो उसमें एस और एस एड कर देते हैं. तो हमने कहा बिल्ड और नेस्ट ऑन द ट्री. ये तो था आपका प्लूरल टू सिंगुलर. अब हम आपको बताते कि फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. चेंज चेंज सेंटेंस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. सेम टाइप का हो गया सिंगुलर टू प्लूरल. इसमें का आई एम रीडिंग अ बुक. आई भी चेंज हो सकता है और बुक भी चेंज होगा. आई आई का प्लूरल नंबर हो गया वी. ठीक है. एम आई के साथ ऑलवेज वी यूज एम, बट विद वी वी यूज आर. वी आर रीडिंग हट जाएगा. अ मीन्स ओनली वन सिंगुलर. बुक की जगह बुक्स. वी आर रीडिंग बुक्स. सपोज हमने लिखा Rita has eaten two mangoes. हमने लिखा Rita has eaten, sorry, singular to plural करना है. Rita has eaten a mango. Rita तो नेम है, सिंगुलर है, तो ये तो चेंज नहीं होगा. Has eaten भी नहीं चेंज होगा. बस a mango है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे प्लूरल नंबर में. Rita has eaten. अब यहाँ पे हम टू mangoes भी लिख सकते हैं और ओनली mangoes भी लिख सकते हैं. Eaten mangoes. ठीक है. अब आई थिंक सो वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेल हाउ कैन वी चेंज द सेंटेंस सिंगुलर टू प्लूरल और हाउ कैन वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर. सो लेट अस फिनिश दिस चैप्टर. ओके, गुड बाय एवरीबॉडी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. ओके.